दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 13 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे पार्ट 14। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC GD की तैयारी कर रहे हो या फिर मेरे प्यारे मित्रों रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस करिए और डेली सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। और हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिकी मैथ बताएंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो एकदम बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। बस आप हमारे डेली सेशन को वॉच करिए, माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आप हमारा यह सेशन अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे सेशन पर चलते हैं। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो मैथ में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, मैथ में नोट करिए आप लोग, मैथ में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों प्रॉफिट एंड लॉस मेरे प्यारे मित्रों, लाभ हानि, लाभ हानि पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 14। चलिए तो देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नोट करिए आप लोग। चलिए कुछ टाफिया रुपया 10 में, नोट करिए आप लोग क्वेश्चन को, कुछ टाफिया, कुछ टाफिया रुपया 10 में मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को, कुछ टाफियां रुपया 10 में 11 के भाव से मेरे प्यारे मित्रों के भाव से, कुछ टाफियां रुपया 10 में 11 के भाव से मेरे प्यारे मित्रों, तथा उतनी ही टाफियां, नोट करिए आप लोग, तथा उतनी ही टाफियां मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कुछ टाफियां रुपया 10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफियां रुपया 10 में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को रुपया 1 प्रति टाफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 के एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों पूछा गया है। पहला कह रहा है 1% लाभ, दूसरा कह रहा है भी 1% लाभ मेरे प्यारे मित्रों, और 1% ये हानि कह रहा है पहला, सी कह रहा है ना लाभ ना हानि, और डी कह रहा है 1.5% लाभ। तो इसमें कौन सा आंसर सही है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों। माना कि प्रत्येक प्रकार की, यहां पर लिखेंगे माना कि प्रत्येक प्रकार की टाफियां मेरे प्यारे मित्रों, टाफियां क्या है, एक्स है। माना कि प्रत्येक प्रकार की टाफियां मेरे प्यारे मित्रों क्या है, एक्स है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे कुल लागत मेरे प्यारे मित्रों 10x/11, यहां पर लिख देंगे 10x/11 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए कुल लागत मेरे प्यारे मित्रों हो गया 10x/11 और प्लस 10x/9, यहां पर लिख देंगे 10x/9।
10x बटे 9 मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, तो ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 90x और प्लस 11 दहाइयम 110x मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 11 दहाइयम 110x और बटे 11 नवा 99 मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम 99 नोट कर लेंगे। चलिए अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 90 और 110x मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 11 210x बटे 99, 210x बटे 99 मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा। अब कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कुल विक्रय मूल्य, अब कुल विक्रय मूल्य बराबर नोट करिए आप लोग, कुल विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों 2x प्लस 1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 2x, ये सॉरी ये है मेरे प्यारे मित्रों गुड़ा का 2x गुड़े 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य। अब हमको इसलिए हानि बराबर यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए हानि बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर 200x मेरे प्यारे मित्रों, 200 यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 110, ये हो जाएगा हमारा 200x वहां पर होगा मेरे प्यारे मित्रों, 90 प्लस 110 200x होगा बटे 99, बटे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 99 करेंगे और माइनस मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे 2x लिखेंगे 2x, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 2x बटे 99, तो ये हमारा हो जाएगा 2x बटे 99 मेरे प्यारे मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए 2x बटे 99, इसलिए सौदे में हानि प्रतिशत, सौदे में हानि प्रतिशत मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे, इसलिए सौदे में हानि प्रतिशत, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सौदे में हानि प्रतिशत हम लिखेंगे 90 99, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2x बटे 99, ये हो गया। अब 2x बटे 99 यहां पर लिखेंगे 2x बटे 99, 2x बटे 99 मेरे प्यारे मित्रों, और ये हो जाएगा गुणे 100, यहां पर बढ़ाएंगे गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, और यहां पर लिखेंगे 200x, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 200x बटे 99 बटे 99 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं, थोड़ा सा इसमें मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, चलिए यहां पर मिटा दिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन को, ये हो गया, तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे मित्रों 2x बटे 99, ये हमारा हो गया 2x बटे 99 गुड़े 99 मेरे प्यारे मित्रों बराबर 2x बटे 2x मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 200 गुड़े 2x और गुड़े 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 100 बटे 100, ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 100 बटे 100, इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1%, ये हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों 1%, सौदे में 1% की हानि हो रही है, इसलिए तो ये हमारा क्या बता रहा है, सौदे में 1% की हानि हो रही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 1% की हानि हो रही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे मेरे प्यारे मित्रों 10% की हानि होती है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 और 2002 में पूछा गया है। पहला कह रहा है ना लाभ और ना हानि, और बी कह रहा है 1% की हानि, और सी कह रहा है 1% का लाभ, और डी कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों 8% की लाभ। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। एक ट्रिक हम आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों पहले भी बताए हैं, आज भी नोट कर लीजिए। ट्रिक है इस क्वेश्चन का आप लोग हानि बराबर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए ट्रिक आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, हानि प्रतिशत बराबर, चलिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग, हानि प्रतिशत बराबर कोष्टक में मेरे प्यारे मित्रों, हानि प्रतिशत बराबर आप लोग नोट करिए परसेंट लाभ या हानि, यहां पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि मेरे प्यारे मित्रों। चलिए प्रतिशत लाभ या हानि बराबर मेरे प्यारे मित्रों, और इसका मेरे प्यारे भाइयों बहनों कर देंगे हम स्क्वायर। चलिए 10% एक बार लाभ कर रहा है एक बार हानि, तो 10 का हम स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों बटे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। इसको काट देंगे तो हमारा बचेगा 1% मेरे प्यारे मित्रों बच रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है। हेलो जी मेरे प्यारे मित्रों, तो 1% हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए 1% की हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दूसरा ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए देखिए कह रहा 10% का लाभ, पहले में मेरे प्यारे मित्रों 10% का लाभ कह रहा है और दूसरे में कह रहा 10% की हानि, तो 10 हम यहां पर लिखेंगे और इसको 11 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों, 10 हम यहां रहने देंगे, दूसरे में हानि हो जा रहा है। अब हम 11 × 99 और 10 × 100 इसको मेरे प्यारे मित्रों कितने का अंतर है, तो 1% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है हमारा, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। ये दूसरा ट्रिक है हमारा, ये फर्स्ट ट्रिक है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप चाहे जो ट्रिक से अपनाइए, हम आपको, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे 10 से 15 सेकंड लगेगा, चाहे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस ऐसे ही करके चले आइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1% की हानि। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे मित्रों देखिए। कह रहा किसी वस्तु को ₹72 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। 4 विकल्प दिए हैं, ₹87, ₹85 और ₹80 और ₹D मेरे प्यारे मित्रों 84 दिया है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001-2002 और 2006-2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार रिपीट हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। तो ट्रिक हमने आप लोगों को इसमें पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन का हल करने के लिए ट्रिक नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए ट्रिक नोट करिए आप लोग, पहला विक्रय मूल्य
चलिए आप लोग ट्रिक नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, ट्रिक इस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था, तो नोट करिए। पहला विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया पहला विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, गुड़े मेरे प्यारे मित्रों 100, गुड़े 100 मेरे प्यारे भाई बहनों, कोष्टक में हम कर देंगे 100, यहाँ पर कर देंगे 100, और प्लस माइनस लाभ मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर कर देंगे लाभ बटे मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग परसेंट लाभ बटे मेरे प्यारे मित्रों 100 बटे 100 और माइनस 10% कह रहा मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रतिशत लाभ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब हम इसी पे क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहा 72 रुपए में 72 यहाँ पर नोट कर दिए मेरे प्यारे मित्रों, 72 यहाँ पर नोट कर दिए, और 72 में 105 बटे 10 में ये घट गया मेरे प्यारे मित्रों, ये आ गया हमारा 90। अगर हम मेरे प्यारे मित्रों इसको हल करेंगे, काटेंगे, तो ये हमारा आएगा रुपया चौरासी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, ₹84। डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को, काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो इतना आएगा, आप लोग काट लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कह रहा है विक्रय मूल्य पर ₹20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों SSC स्नातक परीक्षा 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। पहला कह रहा 25%, दूसरा बी कह रहा मेरे प्यारे मित्रों 15%, और सी कह रहा 16 सही 2/3%, और डी कह रहा 16 सही 1/3% मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो ट्रिक हमने आप लोगों को बताया था, एक बार और आज बता दे रहे हैं, ट्रिक नोट कर लीजिए, ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। हानि बराबर यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हानि बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग, प्रतिशत हानि बराबर, हानि परसेंट बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ट्रिक है हमारा, आप लोगों को पहले भी बताया, आज एक बार और बता दे रहे हैं। तो यहां पर नोट करिए x/100 + x और गुड़े सौ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसी क्वेश्चन पर हम इसको हल करते हैं, तो लागत मूल्य पर हानि परसेंट बराबर यहां पर लिखिए लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर मेरे प्यारे मित्रों, लागत मूल्य पर 20% की हानि कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यहां पर लिखेंगे 20 गुड़े 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों बटे 120 कर देंगे। चलिए इसको अब हम काटते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये हमने काट दिया, 1 2 2 ये हो गया, और 6 × 12 मेरे प्यारे मित्रों ये हो गया, 6 × 12 हो गया मेरे प्यारे मित्रों, और 3 से हम इसको काटेंगे, 3 × 6 और 50 × 100 50/3 आया मेरे प्यारे मित्रों, 50 में अगर हम भाग देंगे 3 का तो 3 × 1 = 3, 2 ये बचा और ये 0, 3 × 6 = 18 मेरे प्यारे मित्रों 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3%, हमारा आंसर आया मेरे प्यारे मित्रों 16 सही 2/3%, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो 16 सही 2/3% हमारा आंसर, सी विकल्प बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा,
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं इसका तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से, चाहे जो चैप्टर मैथ का पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, एकदम ट्रिकी बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो मेरे प्यारे मित्रों, और आने वाले एग्जाम को आप क्रेक करके आए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं है मेरे प्यारे मित्रों। तो बस आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों कि आपको डेली रिवीजन करना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी तैयारी माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जो भाई बहन हमारे नए हैं मेरे प्यारे मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो एक लाइक जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटा दिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, SSC CPO स्तरीय परीक्षा 2009 में, SSC CPO परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत या लाभ हानि है। ए कह रहा है 12.5% लाभ, बी कह रहा मेरे प्यारे मित्रों 25% हानि, और सी कह रहा 25% लाभ, और डी कह रहा मेरे प्यारे मित्रों 12.5% हानि। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो परसेंट लाभ बराबर मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे, परसेंट लाभ बराबर मेरे प्यारे मित्रों x माइनस वाई मेरे प्यारे मित्रों गुणे 100 यहां पर कर देंगे। चलिए x माइनस वाई बटे y गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, और यहां पर लिखेंगे लाभ बराबर 5 माइनस 4 बटे 4 मेरे प्यारे मित्रों, और गुणे यहां पर कर देंगे 100 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे 4 और गुणे 100। इसको काटेंगे 25 चौका 100, ये हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों 25%। ये हमारा आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लाभ हमारा हुआ कितने परसेंट का, 25% का। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 25% लाभ। चलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 25% लाभ हमारा कहाँ लिखा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, अपनी तैयारी यूं ही बनाए रखिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।